उज्जैन के महाकाल मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर खास रूप से सज्जा की गई थी। भगवान महाकाल का भी जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। सोमवार 26 अगस्त को निकली भगवान महाकाल की छठी सवारी में जन्माष्टमी होने से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान महाकाल का मंदिर अपने परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल सावन और भादो मास में भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए यहाँ लाखों लोग आते हैं। सोमवार को भगवान महाकाल की छठी सवारी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दिन जन्माष्टमी होने से यह पर्व और भी खास हो गया है। तय समय के अनुसार भगवान महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर शाम 4 बजे मंदिर परिसर से बाहर लाया गया। इसके पहले कोटी तीर्थ के समीप बने हॉल में विधिवत पूजन किया गया। पालकी के बाहर आते ही सशस्त्र पुलिस के जवानों ने बाबा महाकाल को सलामी दी। सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंची। यहां टंकी चौक गोपाल मंदिर होते हुए शाम को लगभग 7 बजे पुनः मंदिर में प्रवेश किया। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान महाकाल का श्री कृष्ण के रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया है। हम आपको बता दें कि भगवान महाकाल का कृष्ण रूप में श्रृंगार जन्माष्टमी के मौके पर साल में सिर्फ एक ही दिन होता है। महाकाल मंदिर की विशेष साज सज्जा भी की गई थी। उज्जैन से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।